बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम सिजाल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एक्ट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग कैसे फिल्टर के थ्रू कोई स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक मंथ जो है हम लोग CDR वगैरह फाइन कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को फॉर्मेटिंग का बताया था कि हम लोग इसकी किस तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे CDR पे। तो CDR पे आप देख सकते हैं टाइप कॉल ए बी डेट वगैरह सब कुछ मौजूद है। मैं यहाँ पे जो है फॉर्मेटिंग में आके इसको क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट डेट आप कर सकते हो या फिर लॉन्ग डेट कर सकते हो। लॉन्ग डेट में ये है कि ये दिन का नाम यहाँ पे आ जाएगा और शॉर्ट डेट में ये है कि आप लोग को वो डेट बताएगा। ठीक है, जो आप लोग को अच्छा लगे आप लोग वही कर लो। टाइम को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके जर्नल पे है तो मैं इसको जो है यहाँ से टाइम कंसिडर कर दूंगा ताकि जो है हम जब इस पर फिल्टर लगाएं तो वो हमारे लिए जो जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए आसानी से हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। तो अब इसके बाद सिंपल सा फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप आ जाए होम में, और होम में आने के बाद जो है मैं यहाँ पे इस पर फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर हमारे पास अप्लाई हो चुका है। इसके जितने भी हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट जो हमारे पास रो है वो सब पे अप्लाई हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से फिल्टर से क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे कहता हूँ कि मुझे इनकमिंग SMS चाहिए। ठीक है, मैंने सबको यहाँ पे अनचेक कर दिया, इनकमिंग SMS पे क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। जितने भी इनकमिंग SMS होंगे वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे, लेकिन इसमें इनकमिंग SMS काफी ज्यादा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब पार्टी बी भी सेलेक्ट करूंगा, सॉरी पार्टी ए पे तो ये सेम एक ही नंबर है। अब पार्टी बी भी मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप अपने हिसाब से जो आप लोगों का जो टारगेट नंबर है उसको आप यहाँ से सर्च करते कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का नंबर है 420 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसी को सर्च कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे शो हो गया, मैं सिर्फ इस एक पे क्लिक कर देता हूँ, ओके क्लिक कर देता हूँ, वो मुझे यहाँ पे शो करवा देगा कि इस नंबर के साथ इसकी कितने बार कंटेक्ट हुआ है। इसी तरह जो है आप और भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से कंट्रोल एफ करके फाइंड करते हैं तो कंट्रोल एफ से ये होगा कि आपको स्पेसिफिक पता नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आके सीधे इजीली कोई भी नंबर हो आप उसको यहाँ से फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एक नंबर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ। अनचेक करने के बाद किसी स्पेसिफिक नंबर पे क्लिक करता हूँ इसको और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। इसे मुझे बता दिया कि इस बंदे के साथ इसका इसने इनकमिंग SMS हुए हैं या इनकमिंग कॉल हुई है, इस डेट को हुई है, टाइम भी इसे मुझे बता दिया, A to Z सारी चीजें इसे मुझे एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, ये होता है फिल्टर का कमर। डेट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको कहता है कि आपको कौन सी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 से 4 महीने की CDR है, आप यहाँ पे अगर आपका CDR 1 साल 2 साल की है 3 साल की है वो आप यहाँ से स्पेसिफिक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे जून की चाहिए। अब जून में कौन सी डेट की चाहिए, जून में मुझे जो है यहाँ पे चाहिए 16 तारीख की, जिसकी जितनी भी डेटा है वो मुझे चाहिए, ओके पे क्लिक कर दिया। सिर्फ 16 डेट का जितने भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ कि 16 तारीख को इसने 7 बजे या 8 बजे जो है किसके साथ बात की है। फॉर एग्जाम्पल 7 बजे या 7:15 पे इसने जिस जिसके साथ बात की है वो मुझे शो हो जाए, ओके पे क्लिक करूंगा, वो भी मेरे साथ यहाँ पे आ गया कि 16 तारीख को इसने इस टाइम पे इस बंदे के साथ जो है बात की थी। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ फिल्टर लगाएं और आपको जो है वो चीज आपके सामने, डेट आपने फाइंड करनी है, टाइम आपने फाइंड करना है। IME पे क्लिक करता हूँ, IME भी जो है मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि इसने एक IME यूज हुई है। आगे इंशाल्लाह मैं आपको और भी इसके एनालाइज करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन ये बहुत सिंपल से तरीके हैं। मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन पे आ जाता हूँ। ठीक है, इसकी लोकेशन का यहाँ से ये काफी ज्यादा है तो मैं इसको जरा सा, ठीक है अब लोकेशन पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आप इसकी स्पेसिफिक लोकेशन भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ, मैं कहता हूं कि मुझे कोई एक लोकेशन शो करवाए कि इस टाइम पे वो किधर था। लोकेशन में मैंने सेलेक्ट किया, उसने वो बता दी। अब इसको हम मल्टीपल फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को ढूंढ रहा हूँ, स्पेसिफिक बंदे को मैंने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक कर दिया। डेट में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ उस बंदे की, किस टाइम वो किधर था। टाइम सेलेक्ट कर दिया, इसके अलावा जो है मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली, तो वो चीजें जितनी भी होंगी वो मुझे निकाल के प्रोवाइड कर देगा। ये फिल्टर मुझे वाजे वाजे शो करवा देगा कि आपका जो टारगेट नंबर है वो ये है, डेट टाइम आपने ये सेलेक्ट की है, वो सारी चीजें जो है आपको इजीली प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये होती है फिल्टर को यूज करने का इजी और बहुत ही
प्रोफेशनल मेथड, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सेल के कुछ फार्मूले, मतलब इजीली तरीका है इसको, हम कम्प्लीटली फाइंड करेंगे कि इस बंदे ने सबसे ज्यादा किससे बात की है, सबसे कम किससे बात की है, ये सारी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।